आज कक्षा 9वीं में छात्र हूँ विज्ञान में। जो हमारा अध्याय 14 चल रहा था, प्राकृतिक संपदा, उसका लास्ट पोर्शन है। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। आपको मालूम है कि हम जब सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो पृथ्वी से कुछ दूर वायुमंडल के ऊपर ये इकट्ठी हो जाती हैं। और ये पृथ्वी, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं पृथ्वी पर, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सूर्य से जो प्रकाश आता है तो ये वायुमंडल को क्या कर देता है गर्म। तो ये जो गैसें हैं CO2, तो ये क्या करती हैं, इस गर्मी की, जब गर्म हवा ऊपर आती है तो ये CO2 क्या करती हैं, एक कंबल के समान CO2 उस गर्म हवा को और ऊपर जाने से क्या करती हैं, रोकती हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ मीथेन गैस है, कुछ कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये क्या करती है, गर्म वायु को एक कंबल के समान ये क्या करती है, रोक लेती है, और वहां का वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे कि हमने पहले एक प्रयोग बताया था आपको कि कुछ पौधों को यदि हम कांच लगा दें चारों ओर, तो हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश तो कांच के अंदर आता है लेकिन बाहर नहीं जाने पाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि वहां का तापमान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो जो बहुत ठंडे देश हैं, ठंडे स्थान हैं, तो वहाँ पेड़ पौधों को गर्मी प्रदान करने के लिए ऐसे ही एक एक का पूरे जो गार्डन है जहाँ पेड़ पौधे, उनको चारों ओर से कांच जैसा बना दिया जाता है। उनके ऊपर इस प्रकार ये कांच जैसा घेर देते हैं। इसलिए घेर देते हैं ताकि ये जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या मिल सके, गर्मी मिल सके, और वहां का वातावरण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसी इसी को हमने बड़े रूप में, हमारी पृथ्वी भी एक क्या कहना चाहिए, ग्रीन हाउस जैसा प्रभाव प्रदर्शित करती है। तो जो वायुमंडल में जितनी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें भी ग्रीन हाउस होता है। कुछ गैसें पृथ्वी के वायुमंडल को बाहर जाने से क्या करती हैं, रोकती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रकार वहां का तापक्रम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी प्रकार तापमान बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस प्रकार यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है तो वहां का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग, आप पढ़े हो ना, वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ जाता है, इसको वैश्विक उष्मीकरण भी कहते हैं। तो हमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी नहीं करवाना है, क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो वायुमंडल का ताप बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो आती है। अभी हमने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र पढ़ा, आपने जल चक्र पढ़ा। आज अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन के चक्र के बारे में। ऑक्सीजन को हम जो सूत्र लिखते हैं वो O2, क्योंकि तो ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाई जाती है, और हमारे सांस लेने में जो गैस इस्तेमाल होती है वो ऑक्सीजन ही होती है। वैसे ऑक्सीजन के घटक हैं, जैसे आप देखेंगे तो पानी का सूत्र क्या है, H2O, पानी में भी ऑक्सीजन है। आप देखेंगे CO2, इसमें भी ऑक्सीजन है। हमारे जो बहुत सारी धातुएं पाई जाती हैं पृथ्वी पर, उन सब में अधिकतर यौगिक में ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसे आप देखोगे आयरन ऑक्साइड Fe2O3,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, आप पढ़े हो 9th में, जहाँ CO3 रहता है वो कार्बोनेट, सल्फेट, SO4, नाइट्रेट, NO3, ये सब मूलक हैं। तो ये खनिज पदार्थ में जुड़े हुए पाए जाते हैं। हमारा जो भोजन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल, वसा, ये सब लिपिड, इसमें भी हमारे जो जैविक अणु हैं हमारे शरीर में, उन सब में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहता है। मतलब ऑक्सीजन एक मुख्य घटक है। हम देखते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, और किस प्रकार उसका जो प्रतिशत है वो वायुमंडल में संतुलित होता है। आपको मालूम है, हम सिर्फ छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो पेड़ पौधे ही डायरेक्ट छोड़ते हैं। उनमें एक क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अब हम एक चक्र के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन आती है और किस प्रकार वापस पुनः चक्र के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो जो ऑक्सीजन है, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं, और यदि उनको त्वचीय ऑक्सीजन ले लेते हैं तो जहरीले हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती। मतलब नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। ये चक्र देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। ऊपर से शुरू करते हैं हम पहले वायुमंडलीय ऑक्सीजन O2। तो इसका उपयोग होता है श्वसन में। श्वसन मतलब सांस लेना। हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सांस लेते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर उसका उपयोग होता है, भोजन का विघटन होता है, और हमारे शरीर में पानी बनता है जो कि हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। उसका सूत्र क्या है? H2O। और श्वसन में हम देखते हैं, हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। ये जो H2O, ये प्रकाश पेड़ पौधों का भी बता रहे हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के काम आ जाती है। जो CO2 हम छोड़ते हैं, कोई भी जीव हो, श्वसन सभी में होगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो फिर O2 निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? O2। और ये O2 वायुमंडल में मिल जाती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हमारा भोजन निर्माण होता है। क्या होता है? भोजन का निर्माण। ये देख रहे हो आप, कार्बनिक अणु C6H12O6, इस प्रकार भोजन निर्माण होता है, और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। यह है ऑक्सीजन चक्र। अब हम पढ़ेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन एक गैस है, उस ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, ओजोन। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O2। ऑक्सीजन इतनी जहरीली गैस नहीं है, लेकिन ओजोन थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा विषैला होता है। और जो ओजोन है वो हमारे पृथ्वी के बहुत ऊपर वायुमंडल में पाई जाती है। और ये ओजोन क्या है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच भी है, क्योंकि जो सूर्य से हानिकारक विकिरण आते हैं वो, ये ओजोन क्या करती है, उन विकिरणों को रोक लेती है, और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से क्या करती है? रोकती है। अब हम देखते हैं कि कहीं कहीं ओजोन परत में छेद होते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जैसे ये CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मानव के क्रियाकलाप, मानव द्वारा कुछ ऐसे उपकरण बनाए गए जिनमें ये क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती, जैसे फ्रिज, AC वगैरह, या झाग वाली वस्तुओं से। तो हम देखते हैं ये जो ओजोन है ये स्थायी होते हैं, और जैव प्रक्रिया द्वारा विघटित आसानी से नहीं होते हैं। और जब ये ओजोन परत के पास पहुंचते हैं तो ओजोन के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, और ओजोन की परत में क्या आ गई है, कमी आ गई, उसका ह्रास हो गया। तो ओजोन हमारे लिए बहुत ही क्या है, उपयोगी। आप देखते हैं ये इतने सन में बताया गया था, अब तो ये छेद कम हो गए हैं वर्तमान में, 80 में, 85 में, 90 में, ये ओजोन परत के कारण
क्या हो गए हैं, जो ये आपको बैंगनी कलर के दिख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर के वायुमंडल में ये क्या हो गए, छिद्र हो गए, और इनसे फिर सूर्य की पराबैंगनी किरणें जाती हैं और ये पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। तो हमारे सरकार के कुछ कार्यक्रमों के द्वारा CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इन ऐसे जिन जिन उपकरणों से क्लोरो फ्लोरो कार्बन निकलती है, उन उपकरणों को उपयोग होने में रोक लगा दी गई, जिससे ये छेद थोड़ा सा क्या हो गया, आप छोटा हो गया है। तो ये ज्यादा छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में ज्यादा ये छिद्र पाया गया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि ओजोन परत यदि नष्ट होती है तो हमारे पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आती हैं अल्ट्रावायलेट, और ये हमारे जीवन में हमारे जो जीव हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब इस पाठ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे कि ओजोन परत का क्या महत्व है। और दूसरा प्रश्न हो सकता है इसमें जो एक महत्वपूर्ण है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? धन्यवाद।